तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हमारी इस वीडियो में ट्रिपल सी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसको करने का क्या फायदा है, इसका आवेदन कैसे करें। और उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ट्रिपल सी कोर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कराया जाता है, जिसे नाइलेट के नाम से भी जाना जाता है। ट्रिपल सी का फॉर्म आप हर महीने भर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के 2 मंथ बाद इसका एग्जाम होता है। इस एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा 90 मिनट का समय दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्केटिंग नहीं होती है। अगर हम बात करें ट्रिपल सी की फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट्स। अब हम बात करें इसके फायदे की, तो राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के लगभग सभी गवर्नमेंट नौकरियों में ट्रिपल सी कोर्स का सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आप इसका आवेदन कैसे करें, तो आप इसका आवेदन 2 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, आप किसी रजिस्टर्ड कंप्यूटर सेंटर से यह कोर्स कर सकते हैं। नंबर 2, आप डायरेक्ट इसकी साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी साइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अब अगर हम बात करें इसकी फीस की, तो किसी रजिस्टर्ड कंप्यूटर सेंटर से अगर आप यह कोर्स करते हैं तो आपकी फीस 1500 से 2000 रुपये के बीच लग जाएगी। नंबर 2, यदि आप इसका डायरेक्ट इसकी साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपकी फीस लगभग 600 रुपये से 700 रुपये तक लगेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पुलिस एक ऐसा शब्द है जिसे हर कोई जानता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि पुलिस नाम से परिचित ना हो। पुलिस सुरक्षा बलों का एक आंतरिक पार्ट है जो कि देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए होता है। पर क्या आपको दोस्तों पता है पुलिस शब्द की फुल फॉर्म क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको हमारी इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों, पुलिस शब्द 6 अक्षरों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो ट्रेन के डिब्बे के पीछे क्रॉस का निशान बना होता है उसका मतलब क्या है? अगर आप गौर से देखोगे तो उस क्रॉस के नीचे आपको एक लाल कलर की बत्ती भी नजर आएगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस क्रॉस के निशान को रखने के पीछे कारण क्या है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जब हमने रेलवे की वेबसाइट पर इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि यह एक्सीडेंट रोकने की एक अक्षीय उपाय है। हमेशा किसी भी ट्रेन के लास्ट के डिब्बे पर ही लगाया जाता है। मान लो रास्ते में कोई डिब्बा अलग हो गया और ट्रेन फिर भी चलती रही, तो पीछे से आने वाली गाड़ी इन डिब्बों के साथ टकरा सकती है। इसीलिए स्टेशन मास्टर भी नीली झंडी दिखाने के बाद ट्रेन के पीछे वाले डिब्बे पर क्रॉस का निशान है या नहीं यह भी चेक करता है। अगर क्रॉस का निशान नहीं दिखा तो तुरंत अलर्ट कर देते हैं। अब आपका एक और प्रश्न होना चाहिए कि रात को तो क्रॉस दिखेगा नहीं, तो कैसे पता चलेगा यह आखिरी डिब्बा है? तो क्रॉस के नीचे एक लाल बत्ती भी दी जाती है। अगर यह लाल बत्ती ट्रेन की आखिरी डिब्बे में नहीं दिखे तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है संडे को ही हॉलीडे क्यों रहता है? इसकी क्या वजह है? चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं इसी बारे में। जब भारत में ब्रिटिश शासन किया करते थे तब मिल मजदूरों को 7 दिन काम करना पड़ता था। उन्हें पूरे हफ्ते में एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती थी। हर रविवार को ब्रिटिश अधिकारी चर्च जाकर प्रार्थना करते थे, लेकिन मिल मजदूरों के लिए ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। उस समय श्री नारायण मेघाजी लोखंडे मिल मजदूरों के नेता थे।
उन्होंने अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखा और कहा कि 6 दिन काम करने के बाद सप्ताह में 1 दिन अपने देश और समाज की सेवा करने के लिए भी मिलना चाहिए। लेकिन उनके इस प्रस्ताव को ब्रिटिश अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया, पर श्री नारायण मेघाजी लोखंडे ने हार नहीं मानी और अपना संघर्ष जारी रखा। अंत में 7 साल के लंबे संघर्ष के बाद 10 जून 1890 को ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार रविवार को छुट्टी का दिन घोषित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था के अनुसार रविवार का दिन सप्ताह का आखिरी दिन होता है। इस बात को 1986 में लागू किया गया था। 1844 में अंग्रेजों के गवर्नर जनरल ने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए रविवार का अवकाश रखने का प्रावधान किया, जिसका कारण यह था कि बच्चे इस दिन कुछ रचनात्मक कार्य कर सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, अगर आप भविष्य में भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, स्कूल के बारे में तो हम सब ही जानते हैं, क्योंकि स्कूल का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पर क्या आपने कभी सोचा है स्कूल की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा। दोस्तों, स्कूल शब्द 6 लेटर से मिलकर बना होता है, SCHOOL। नंबर 1 बात करते हैं एस की। इसका इंग्लिश में मतलब होता है सिंसेरिटी तथा हिंदी में मतलब होता है सच्चाई। नंबर 2 पर है सी। इसका इंग्लिश में मतलब होता है कैपेसिटी तथा हिंदी में मतलब होता है क्षमता। नंबर 3 पर है एच। इसका इंग्लिश में मतलब होता है होनेस्टी तथा हिंदी में मतलब होता है ईमानदारी। नंबर 4 पर है ओ। इसका इंग्लिश में मतलब होता है ऑर्डर लाइंस तथा हिंदी में मतलब होता है सुव्यवस्था। नंबर 5 पर है ओ। इसका इंग्लिश में मतलब होता है ओबिडेंस तथा हिंदी में मतलब होता है आज्ञाकारिता। नंबर 6 पर है एल। इसका इंग्लिश में मतलब होता है लर्निंग तथा हिंदी में मतलब होता है सीखना या सीख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जब हमारी या हमारे परिवार में से किसी को भी कोई भी बीमारी हो जाती है तो हम तुरंत डॉक्टर या मेडिकल से दवाई लेने पहुंच जाते हैं। पर दवाई लेते समय क्या आपने ध्यान दिया है कि दवाई के पत्ते पर 2 गोलियों के बीच में यह खाली जगह क्यों होती है? कभी सोचा है आपने? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है ताकि 2 दवाइयाँ आपस में ना मिल पाएँ, क्योंकि दवाइयाँ केमिकल से मिलकर बनी होती है। अगर 2 दवाइयाँ आपस में मिल गई तो वह ख़राब हो जाएगी, क्योंकि दोनों दवाइयों के अंदर के केमिकल आपस में रिएक्शन करने लगेंगे, जिसके प्रयोग से मानव शरीर को हानि हो सकती है। इन पत्तों में प्रिंट एरिया को बढ़ाने के लिए भी कई बार स्पेस दिया जाता है। कई बार दवाई के पूरे पत्ते में सिर्फ 1 ही गोली होती है। ऐसे में पत्ते के पीछे प्रिंट की गई तारीख, इसके कंपाउंड्स, एक्सपायर डेट आदि जानकारी को छापने के लिए जगह की ज़रूरत होती है, इसलिए यह खाली स्पेस बनाए जाते हैं।
जिसके कारण दवाई की पूरी जानकारी उसके पीछे सरलता पूर्वक लिखी जा सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है एएम और पीएम क्या है, यह कहां से आया, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि एएम का समय रात के 12 बजे के बाद तथा दिन के 12 बजे से पहले का समय होता है। अब हम बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो एएम की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम। यह एक लैटिन वर्ड है जिसकी इंग्लिश में मतलब होता है बिफोर नून तथा हिंदी में मतलब होता है दोपहर से पहले। तो दोस्तों, यह तो जाना हमने एएम के बारे में। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पीएम की। पीएम का जो समय है वह दोपहर के 12 बजे के बाद तथा रात के 12 बजे से पहले का समय होता है। अब हम बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो पीएम की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम। यह भी एक लैटिन वर्ड है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है आफ्टरनून तथा हिंदी में इसका मतलब होता है दोपहर के बाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारी नई वीडियो जैसे ही आए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एम्बुलेंस के बारे में तो हम सब ही जानते हैं। एम्बुलेंस की पहचान होती है कि उसके ऊपर लाल या नीले रंग की बत्ती लगी होती है तथा उसके सामने कैपिटल अक्षर में एम्बुलेंस लिखा होता है। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया यह एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा होता है? बहुत कम लोगों को इसकी वजह पता है। अगर आप नहीं जानते तो आज जान जाएंगे। तो दोस्तों, एम्बुलेंस उल्टा आगे चल रही गाड़ियों के लिए लिखा जाता है, क्योंकि जब आप अपने दर्पण से पीछे चल रही गाड़ियों को देखते हैं तो उन पर लिखे शब्द आपको उल्टे दिखाई देते हैं। लेकिन एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस पहले से ही उल्टा लिखा होता है, जिसके कारण आगे चल रहे वाहन को यह शब्द सीधा दिखाई देता है, जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि एम्बुलेंस गाड़ी पर उल्टा एम्बुलेंस आगे चल रही गाड़ी के ड्राइवर के लिए लिखा होता है, जिससे वह आसानी से पढ़कर एम्बुलेंस को जाने के लिए साइड दे सके। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि ब्लेड के बीच में यही डिज़ाइन क्यों बना होता है, इसके बीच में यह स्पेस क्यों छोड़ा जाता है, इसकी क्या वजह है? आइए हम इसी टॉपिक पर एक नज़र डालते हैं। सन 1904 में जिलेट कंपनी ने अपना पहला ब्लेड बनाया था। इसी ब्लेड के साथ उन्होंने एक रेज़र भी बनाया था।
जिसमें यह ब्लेड दो बोल्ट की सहायता से लगाया जाता था। इस डिज़ाइन का ब्लेड सिर्फ जिलेट कंपनी ही बना सकती थी, क्योंकि कंपनी के संस्थापक किंग कैंप जिलेट ने इस डिज़ाइन को पेटेंट करा लिया था। जब 25 साल बाद यह पेटेंट एक्सपायर हो गया तो दूसरी कंपनियों ने भी ब्लेड बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन इन 25 सालों में इस कंपनी के रेजर बाजार में फैल चुके थे, इसलिए अन्य कंपनियों ने भी इसी तरह के ब्लेड बनाना शुरू कर दिया। अगर दूसरे डिज़ाइन के ब्लेड बनाए जाते तो वह मार्केट में चल रहे रेजर पर फिट नहीं होते, जिसके चलते उन्हें बिक्री करना मुश्किल था। यही सोचकर मार्केट में आने वाली हर एक ब्लेंड की कंपनी ने एक ही डिज़ाइन में ब्लेड तैयार किए जाने लगे। ये तो बात थी इसके इतिहास की। अब हम बात करेंगे इन वजह की जिलेट कंपनी ने ब्लेड के बीच में यह गैप क्यों छोड़ा। तो इसके पीछे का कारण यह है कि ब्लेड काफ़ी पतले होते हैं, हल्का सा प्रेशर लगते ही यह टूट सकते हैं। इनको फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए इस तरह के डिज़ाइन दी गई थी, जिससे यह आसानी से टूटे नहीं और रेजर की बनावट के हिसाब से उसमें फिट हो सके। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल समीर आरके में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि कैसे हम पीडीएफ में अपनी बुक्स डाउनलोड करके उससे स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें टाइप करना होगा uou.ac.in और एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों, हम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के मेन पेज पर आ जाएंगे। वहाँ पर एक ऑप्शन दिया है सिलेबस ईबुक्स वाला, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों देखिए, ये न्यू पेज ओपन होकर आ गया। यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम की बुक्स डाउनलोड करनी है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। ग्रेजुएशन की करनी है उस पर क्लिक कर दीजिए। सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की करनी है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, मैंने सेलेक्ट किया जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, तो मैं उस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको, ये देखिए दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन के सभी कोर्स ओपन होकर आ गए हैं, जैसे एमए हिंदी, एमए इंग्लिश। तो मैंने एमए इंग्लिश सेलेक्ट किया। ये देखिए दोस्तों, उसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की सभी की बुक शो हो गई है। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ से किसी भी एक बुक्स को सेलेक्ट करके उसको पीडीएफ में डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन है SLM, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपकी बुक्स आपके सामने ओपन होकर आ गई है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी बुक्स के सभी पेज। ये देखिए दोस्तों, तो फ्रेंड्स, ये है बुक्स, 145 पेज की यह बुक्स है। देखिए, आपके सामने शो हो गई है। अब हमें इसको अपने डेस्कटॉप पे कहीं भी सेव करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर देखिए एक डाउनलोड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और अपने डेस्कटॉप पर इसे कहीं भी सेव कर लीजिए। तो मैंने इसको यहाँ से सेव किया। देखिए दोस्तों, ये डाउनलोड हो गई। तो इस प्रकार से आप अपनी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप अपना सिलेबस भी कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यहीं से आप अपना सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। आपको बैक जाना है दोस्तों, उसी पेज पर। देखिए, यहाँ पर हम वापस आ गए और यहाँ पर लिखा है सिलेबस वाला ऑप्शन, बस आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आप अपना सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करके देखो दोस्तों, ये आपका पूरा सिलेबस ओपन होकर आपके सामने आ गया है। ये देखिए दोस्तों, बस इसको भी आपको ऐसे ही डाउनलोड करना है जैसे हमने बुक्स को डाउनलोड किया था। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको भी सेव कर लेना है। तो इस प्रकार से आप अपना सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन वाले बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी अपनी न्यू वीडियो बनाऊं आपके सामने तुरंत मैसेज आ जाए। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखना और मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना है uou.ac.in और एंटर प्रेस कर देना है।
उसके बाद आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के मेन पेज पर आ जाओगे। आपको सर्कल को नीचे करना है और वहाँ पर लिखा है एग्ज़ाम और उसके नीचे लिखा हुआ है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपको नीचे आई एग्री वाले ऑप्शन पर टिक करना है और बैक एग्जामिनेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक न्यू पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों अपना एनरोलमेंट नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका मतलब कोर्स ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपकी जिसकी भी बैक है आपको अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और देखिए यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे जिसमें आपकी बैक है। फॉर एग्जांपल दिस स्टूडेंट की सभी में बैक से तो मुझे सभी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। और आप अपनी फ़ीस भी चेक कर सकते हो कि कितनी फ़ीस आपकी कटेगी। आपकी 1500 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस है। 50 रुपये आपका अमाउंट पहले से ही पड़ा हुआ है इसलिए आपकी 1450 रुपये फ़ीस पे होगी। बस आपको अब नीचे आकर अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक पेमेंट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा छोटा सा, इस पर आपको टिक कर देना है और डन एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर उसके बाद क्लिक कर देना है। सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और डन एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक दोस्तों ये देखें यहाँ पर एक यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपकी टोटल फ़ीस जो सबमिट होगी वो दिख रही है 1450 रुपये। उसके बाद आपको मैक पेमेंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको पास ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा कि कैसे आपको अपनी फ़ीस सबमिट करनी है। आप डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है अपना मतलब डेबिट कार्ड नंबर, आपको यहाँ पर अपनी एक्सपायर डेट है वो फिल करनी है, आपको अपना सीवी नंबर है फिल करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना बैक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको बस पे नाउ पर क्लिक कर देना, इस तरीके से आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है मंसूर अहमद। फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। दोस्तों, आपने मेरी फर्स्ट वीडियो में देखा कि कैसे हम अपना एग्जामिनेशन सेंटर खुद ही ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। फिर आपने मेरी सेकंड वीडियो में देखा कि कैसे एक स्टूडेंट कॉर्नर के माध्यम से एक स्टूडेंट अपनी कंप्लेंट जानकारी हासिल कर सकता है। फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिज़ल्ट चाहे किसी भी कोर्स का हो, सबका एक ही तरीके से रिज़ल्ट डाउनलोड होता है। तो रिज़ल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम गूगल के मेन पेज पर आते हैं। गूगल के मेन पेज पर आने के बाद हमें टाइप करना है uou.ac.in और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद हम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के मेन पेज पर आ जाएंगे। मेन पेज पर आने के बाद हमें सर्कल को थोड़ा सा नीचे करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है रिजल्ट फॉर दिसंबर 2017 एग्ज़ाम, इसे हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया मेरे पास एक और न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड रिजल्ट, बस हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक और न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एग्जामिनेशन। आपने जिस प्रकार के भी एग्ज़ाम दिए हैं, रेगुलर, बैक एग्ज़ाम, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है सेशन। आपका जो भी सेशन है, जिस सेशन में आपने एग्ज़ाम दिया उसे सिलेक्ट कर लीजिए। तीसरा ऑप्शन है प्रोग्राम। आपका जो भी प्रोग्राम कोड है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा BA16 है तो मैंने BA16 सेलेक्ट किया। उसके बाद अगला ऑप्शन है ईयर। आपका जो भी ईयर है, जिस ईयर का आपको रिजल्ट चाहिए आप वो सिलेक्ट कर लीजिए।
उसके बाद अपना एनरोलमेंट नंबर लिख दीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए। अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको क्लिक करना है गेट रिजल्ट पर। आप जैसे ही गेट रिजल्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने मार्कशीट ओपन होकर आ जाएगी। बस आपको पहले इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे होगा, आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने आपकी मार्कशीट डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगी। अब आप अपनी मार्कशीट को अपने डेस्कटॉप में कहीं भी सेव कर लीजिए। आप इसे अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं सेम ऐसे ही। तो फ्रेंड्स आपकी मार्कशीट आपके सामने डाउनलोड होकर आ गई है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। हे फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाले बटन पर भी क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने एडमिट कार्ड की, कैसे हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें गूगल के मेन पेज पर आना है और हमें टाइप करना है UOU.ac.in और एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का मेन पेज ओपन होकर आ जाएगा। वहाँ पे हम सर्कल को थोड़ा नीचे करेंगे और हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर जून 2018 एग्ज़ाम। बस हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक और पेज ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्हें फिल करना है। सबसे पहला ऑप्शन है एग्जामिनेशन टाइप, तो आपको यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन टाइप फिल करना है, जैसे रेगुलर है, बैक है, इम्प्रूवमेंट, आपने जिस भी प्रकार का फॉर्म भी भरा है। उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है एग्जामिनेशन सेशन, आपको अपना सेशन सिलेक्ट करना है। फिर हमारा तीसरा ऑप्शन है प्रोग्राम, आपको यहाँ से अपना प्रोग्राम कोड सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम कोड सिलेक्ट कर लिया है और उसके नीचे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ईयर, आपका ईयर कौन सा है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, जो भी है वो भी आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर टाइप करना है और प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ देर बाद आपका एडमिट कार्ड खुलकर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आपके सामने आपका एडमिट कार्ड ओपन होकर आ गया है। बस आपको यहाँ से इसे सेव कर लेना है। तो इस प्रकार से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपनी न्यू वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। हे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल समीर आरके में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि हम असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि असाइनमेंट बनाने के लिए हमारे पास बुक्स होनी चाहिए जो कि हमें स्टडी सेंटर से मिल जाती है। A4 साइज़ के वन साइड के पेपर होने चाहिए जो कि हम मार्केट से आसानी से खरीद सकते हैं। नंबर तीन जो हमें चीज़ चाहिए वो है असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, वो हमें असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर साइट से डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि उनको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको टाइप करना है UOU.ac.in और एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के मेन पेज पर आ जाएंगे। आपको सर्कल को थोड़ा नीचे करना है और वहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है असाइनमेंट स्टूडेंट कॉर्नर के नीचे, आपको बस उस पर क्लिक करना है। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट प्रोग्राम, बस यहाँ से आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने बीकॉम सिलेक्ट किया, तो ये देखिए दोस्तों उसके सभी वो बुक्स के असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर हमारे सामने ओपन होकर आ गए हैं। अब हमें इसे डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
जैसे हमने डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, ये देखिए दोस्तों हमारे पास हमारा असाइनमेंट डाउनलोड होकर हमारे सामने आ गया है। बस हमें इसे सेव करने के लिए डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और वहाँ से इसे सेव कर लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों टेक्निकल समीर आर के ही चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का, आप ऑनलाइन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का एडमिशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना है uou.ac.in। आपको एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडमिशन समर 2018-19, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपके पास एक और न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एडमिशन, आपको इस पर क्लिक करना है। सर्कल को थोड़ा नीचे करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड, फिर आपको सर्कल को नीचे करना है और आई एग्री वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। फिर आपको फॉर ऑलरेडी इनरोल्ड वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना इनरोलमेंट नंबर फिल करना है, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके पास दो ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएंगे, एक ऐड न्यू प्रोग्राम, दूसरा ऐड न्यू एप्लीकेशन। आपको ऐड न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे आपका पूरा फॉर्म फिल होकर आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन सेंटर फिल करना है। उसके बाद आपको सर्कल को नीचे करना है और आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ आपको आपकी फ़ीस दिखा रहा है 4,050 रुपये जो जमा हुई है। फिर आपको पेमेंट ऑप्शन पर भी टिक करना है और डन एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा जहाँ पर आपको आपकी पूरी फ़ीस शो हो रही है। ये देखिए दोस्तों आपको मैक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने मैक पेमेंट पर क्लिक किया आपके पास एक पेज ओपन होकर आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको फीस दिखा रहा है, आपकी जो टोटल फीस है और कितनी उस पर GST लगी है वो भी दिखा रहा है, फिर टोटल फीस ऐड होके दिखा रहा है। तो दोस्तों अब आपको यहां से अपने ATM कार्ड, डेबिट कार्ड से अपनी फ़ीस सबमिट कर देनी है। दोस्तों मुझे अपनी फ़ीस सबमिट नहीं करनी है तो मैं आगे अपनी फ़ीस सबमिट करके आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा है, ये तो मेरे दोस्त का फॉर्म है जिसे मैं फिल करके आपको दिखा रहा था। बस दोस्तों इसके बाद आपको बस खुद ही अपनी फ़ीस सबमिट करनी होगी। बताइए उसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको अपना ATM कार्ड नंबर डालना है, उसमें एक्सपायर डेट डालनी है और अपना CV नंबर डालना है। उसके बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पर टिक कर देना। तो दोस्तों ऐसे आप अपनी फ़ीस आसानी से फिल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो दोस्तों आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है और आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और आपको अगर कोई भी दिक्कत आए फॉर्म फिल करने में आप, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको 100% बताऊँगा। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हूँ, मैंने क्लिक किया अपने मेनू पे, फिर क्लिक किया मैंने यूट्यूब पर। YouTube पर आने के बाद दोस्तों आप कोई भी टॉपिक सर्च कर लीजिए अपनी कैटेगरी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया न्यू WhatsApp स्टेटस,
तो ये सभी व्हाट्सअप स्टेटस मेरे पास ओपन होकर आ गए हैं, लेकिन हमें ये डाउनलोड नहीं करने हैं। अब आपके राइट हैंड पे ऊपर की तरफ एक नेटवर्क है डॉट 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 से बना है ना, उस पर क्लिक करना है आपको। उस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएटिव कॉमन, आपको इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब ये जो वीडियो आ गई है ये सभी क्रिएटिव कॉमन वीडियो है, आप इनका यूज़ कर सकते हो। लेकिन यूज़ करने से पहले आपको इन वीडियो को ओपन करके इसके डिस्क्रिप्शन में जाके आपको ये चेक करना है कि यह वीडियो क्रिएटिव कॉमन की है या स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस की। वैसे तो ये यहाँ पर अब सभी वीडियो क्रिएटिव कॉमन की आ गई, बाकी यूज़ करने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वीडियो ली, ये वाली ले ली, अब मैं इसके डिस्क्रिप्शन में गया। डिस्क्रिप्शन में नीचे जाने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये लाइसेंस लिखा है, यहाँ पर लिखा है क्रिएटिव कॉमन, और ये लिखा हुआ है इसके नीचे लिखा है री यूज़ अलाउ, मतलब आप इसका दोबारा यूज़ कर सकते हैं, इन्होंने परमिशन दी हुई है। लेकिन अगर लाइसेंस हमारा हो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, तो आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप उसका यूज़ करोगे तो आपके पास कॉपीराइट के एरर आ जाएगी। तो आप सबसे पहले, मतलब इसमें जो मेन चीज़ है वो है आप इसका लाइसेंस चेक कर लीजिए ध्यान से। अब ये क्रिएटिव कॉमन्स है तो आप इसका आसानी से यूज़ कर लीजिए और अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम क्रिएटिव कॉमन वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस और क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का ध्यान रखना है, इस प्रकार से आप बहुत आसानी से वो क्रिएटिव कॉमन वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। दोस्तों भारत वीर योद्धाओं की धरती रही है और इन वीर योद्धाओं में से एक है टीपू सुल्तान। मैसूर का शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुआ था। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने बचपन में ही टीपू को शूटिंग, घुड़सवारी और तलवारबाजी सिखाई थी। इसी के साथ ही उनको उर्दू, कन्नड़ और कई दूसरी भाषाएं भी सिखाई गई थी। उनके जीवन का एक किस्सा भी बड़ा मशहूर है। एक बार जब टीपू सुल्तान अपने कुछ फ्रेंच दोस्तों के साथ जंगल में गए थे, तब उन पर एक शेर ने हमला कर दिया और तब उनके पास बंदूक भी नहीं थी, लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान ने उस शेर से नहीं डरे और उस शेर से डट कर मुकाबला किया और उसका मुंह फाड़ दिया। तब से उनको टाइगर ऑफ मैसूर की उपाधि दी गई। 1767 में 17 साल की उम्र में ही टीपू ने अपने पिता के साथ पहला मैसूर युद्ध लड़ा था। 1782 में टीपू के पिता हैदर अली की बीमारी की वजह से मौत हो गई। तब टीपू सिर्फ 22 साल के थे। पूरे मैसूर की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर थी। उन्होंने यह बात बहुत पहले ही समझ ली थी कि ब्रिटिश लोग भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इसीलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1780 में कड़ी जंग छेड़ दी। अंग्रेजों को पछाड़ने के लिए टीपू ने मुगल और मराठाओं से हाथ मिलाया, और इसी वजह से 1784 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वार खत्म हुआ। और यही नहीं, अंग्रेज उनसे ट्रीट यानी कुछ करार भी करने के लिए राजी हो गए, और अंग्रेजों और टीपू के बीच ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की गई, जिसमें टीपू के द्वारा रखी हर शर्त अंग्रेजों ने मान ली थी। अंग्रेजों के खिलाफ जीतने के बाद भी जैसे टीपू के मन की आग अभी तक शांत नहीं हुई थी। जीतने के बाद टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू की, लेकिन ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के अनुसार त्रावणकोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सहयोगी राज्य था। लेकिन फिर भी टीपू ने दिसंबर 1790 में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया और फिर शुरू हुआ थर्ड एंग्लो मैसूर वार।
रावणकोट के राजा ने अंग्रेजों से मदद मांगी, जिसके बाद अंग्रेजों ने अपनी विशाल सेना के साथ टीपू की सेना पर आक्रमण कर दिया। टीपू ने जल्द ही हार नहीं मानी, लेकिन अंग्रेजों के विशाल सेना के सामने टीपू कमजोर पड़ गया। 1792 में इस युद्ध को खत्म करने के लिए एक ट्रीटी ऑफ रंगापट्टिनम साइन किया गया, जिसके अनुसार टीपू को अपने कई राज्यों को खोना पड़ा। इसके बाद ब्रिटिशों ने यह जान लिया था कि टीपू सुल्तान उनके लिए एक बड़ा खतरा है, और इसीलिए ब्रिटिश अब टीपू को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाने लगे। और फिर 1799 में ब्रिटिशों ने मैसूर पर हमला कर दिया, और यहां शुरू हुआ फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। ब्रिटिशों की सेना में 50,000 से भी ज्यादा सैनिक थे, वहीं टीपू की सेना में 30,000 सैनिक थे। अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगापट्टनम पर कब्जा कर लिया और टीपू को घेर लिया। तभी टीपू के कुछ फ्रेंच दोस्तों ने टीपू को यह सलाह दी कि वह गुप्त सुरंग से अपनी जान बचाकर भाग जाए, लेकिन टीपू सुल्तान ने इसके लिए मना कर दिया, और बड़ी वीरता से टीपू उस जंग में कूद पड़े, और 4 मई 1799 को उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। अंग्रेज उनके नाम से जितना डरते थे, उतना ही उनके नाम का उद्वेष भी करते थे। कहा जाता है कि जब टीपू सुल्तान की मौत हुई थी, तब ब्रिटेन में इसकी खुशी का उत्साह मनाया गया था। टीपू सुल्तान की तलवार को ब्रिटिश लोग लेकर चले गए थे। एक बात शायद आपको पता नहीं होगी कि टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन भी कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि टीपू सुल्तान ने ही दुनिया की पहली मिसाइल बनाई थी, और लंदन के साइंस म्यूजियम में आज भी टीपू सुल्तान का बनाया हुआ रॉकेट रखा हुआ है। आपको एक बात और बता दें कि टीपू सुल्तान को पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। भविष्य में भी ऐसी रोचक और मजेदार वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ठग शब्द सुनकर हमारे दिमाग में अक्सर चोर, लुटेरे, डकैत और खून करने वाली जैसी छवियां उभर कर सामने आ जाती है, लेकिन सच कुछ और ही है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कौन थे, क्यों इनको लुटेरा, डकैत, खूनी कहा जाता है। भारत में एक आदिवासी जनजाति घने जंगलों में रहती थी और काली माँ की पूजा करती थी। इस जनजाति का नाम था ठग। यह कोई चोर, लुटेरे, डकैत, डाकू नहीं थे। क्या आप जानते हैं कि जब भारत पर अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना कब्जा जमाना शुरू किया, तो यह ठग ही थे जिन्होंने अंग्रेजों का पूरी ताकत के साथ विरोध किया, क्योंकि अंग्रेज अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए जंगलों को खत्म कर रहे थे, जिनमें यह ठग जाति कई पीढ़ियों से रह रही थी। और यह बात आप जानते ही हैं कि अगर कोई किसी के घर को खत्म करने की कोशिश करता है, तो प्रतिरोध उत्पन्न होना सामान्य सी बात है। अंग्रेज ठगों की जमीनों पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए अंग्रेजों ने एक चाल चली। अंग्रेजों ने ठगों की छवि खराब करने के लिए ऐसी किताब छापी जिसमें ठगों को डकैत, लुटेरे, हत्यारा बताया गया। यानी अंग्रेजों ने किताब के माध्यम से ठगों की बुरी छवि प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, ब्रिटिश संसद ने 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत भारत की कुछ खास जनजातियों को सामूहिक रूप से मारने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया गया था। इन जनजातियों को अपराधी घोषित करते हुए इसके प्रत्येक सदस्यों को, यहाँ तक कि नवजात शिशुओं को भी अपराधी के रूप में घोषित किया गया था। इन्हीं किताबों में से एक किताब का नाम कन्फेशन ऑफ ए ठग है, जिसे 1839 में फिलिप मेडोज टेलर ने लिखा था, जिसमें ठग्स को खुकियात, लुटेरा, हत्यारा और डकैत बताया गया था। इसे आज तक ठग्स जाति से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भों से जोड़ कर रखा जाता है।
इसी एक्ट के तहत ठग्स के अलावा कई आदिवासी जनजातियों पर भी काफ़ी जुल्म किए गए और बड़े पैमाने पर इनकी सामूहिक हत्या भी की गई। अंग्रेजों ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि यह जनजाति अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और साथ ही यह अंग्रेजों के साम्राज्य को भारत में फैलने से रोक रही थी। इसलिए इन जनजातियों को ख़त्म करने के लिए मनमाने कानून बनाए गए और भारत पर कब्जा करने की मंशा को पूरा किया गया। अपनी चालों को सही साबित करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे विश्वविद्यालयों को फंड दिया ताकि वह कुछ ऐसी किताबों को लिख सके जिनमें ठग्स की गलत छवि को प्रकट किया जा सके। यानी इन सामूहिक हत्याओं को सही साबित करने के लिए ब्रिटिश सांसद ने कई लेखकों को आर्थिक सहयोग भी दिया था ताकि वह ठग्स के खिलाफ किताबों को लिख सके और उनको इतना बदनाम कर सके कि समाज इन लोगों को कभी अपना ही ना सके। इसी कारण आज ठग्स की छवि दुनिया के सामने गलत बन चुकी है। इन्हें हिंसा और अपराध के साथ ही जोड़कर देखा जाता है, जबकि इतिहास को अगर खंगाला जाए तो सच्चाई कुछ और ही सामने आएगी। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कौन थे और अंग्रेजों ने इन्हें कैसे बदनाम किया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। भविष्य में भी ऐसी रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यदि दोस्तों आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप हमें यह भी बता सकते हैं कि मैं अगली अपनी वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना नाम अपने शानदार काम के जरिए कर जाते हैं और उनका काम उन्हें इस दुनिया में पहचान तो दिलाता ही है, साथ ही उनको हमेशा के लिए अमर कर जाता है। और किसी ने सच ही कहा है कि कलाकार मर सकता है लेकिन कला नहीं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही कलाकार की अद्भुत कला के बारे में है जिसकी चर्चा सैकड़ों साल के बाद भी आज भी की जाती है। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि अगर सैकड़ों साल पुराने पेंटिंग की बात आज भी लोग करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ खास बात तो होगी ही ना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लियोनार्डो द विंची की पेंटिंग मोनालिसा के बारे में, जो कि हाफ लेंथ की पोर्ट्रेट पेंटिंग है जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा बार देखा गया है और सबसे ज्यादा बार इसकी चर्चाएं की गई हैं। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि यही पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है जिसकी कीमत आज के समय में लगभग 700 मिलियन डॉलर के आसपास है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची नाम के एक आर्टिस्ट ने बनाया था जिनका जन्म 15 फरवरी 1452 को इटली के वेंची नाम की सिटी पर हुआ था। वैसे तो उन्होंने अपने जीवन काल में द लास्ट सफर, सेल्वेटर मुंडी, विट्रूवियन मैन, लेडी विद एन एरमाइन की तरह ही कई अन्य पेंटिंग्स भी बनाए हैं, लेकिन मोनालिसा उनमें सबसे ज्यादा फेमस हुई। वैसे विंची ने इस पेंटिंग पर काम शुरू किया, इसके बारे में कई लोग अलग अलग तरह की बातें बताते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि मोनालिसा की पेंटिंग पर काम 1503 के आसपास शुरू किया गया था, जो कि 3 साल के बाद यानी 1506 में जाकर तैयार हुई। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इस पेंटिंग पर काम 1513 में शुरू किया गया था और 1519 में जब लियोनार्डो की मृत्यु हुई तब तक भी यह पेंटिंग अच्छे से पूरी नहीं हो पाई थी। और इस पेंटिंग में जो महिला है उनका नाम है लीजा गेरार्डनी, जो कि एक कपड़ा व्यापारी फ्रांसिस्को डेल जियोकांडो की पत्नी थी। और यह पेंटिंग फ्रांसिस्को डेल ने अपने दूसरे बच्चे के आने की खुशी में बनवाया था। दोस्तों, विंची ने इस पेंटिंग को ऑयल पेंट से पॉपुलर पैनल पर बनाया था। इस पेंटिंग की लोकप्रियता की जो मुख्य वजह है वो है इसकी बनावट। दरअसल यह पेंटिंग हर एंगल से अलग तरह की दिखाई देती है और मोनालिसा का सबसे बड़ा राज है उसकी मुस्कान। इस पेंटिंग में
जो महिला है उनके चेहरे पर तो मुस्कान है, लेकिन उनकी आंखें दुखी दिखाई देती है। और लोगों की अगर माने तो गर्भवती होने की वजह से उनका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था। हालांकि दोस्तों इस पेंटिंग को लेकर बहुत सारे विवाद भी हुए, क्योंकि कुछ लोग यह मानते हैं कि इस पेंटिंग में विंची ने खुद को बनाया था, और कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि विंची ने इस पेंटिंग में अपनी मां की तस्वीर बनाई थी। लेकिन सबसे ज्यादा मत लीजा गेरार्डिनी को ही मिला है। इस बात का सबूत और भी पुख्ता तब हो जाता है जब यह पता चलता है कि उस वक्त महिलाओं को भौंरे रखना बैन था, और पेंटिंग में भी आईब्रोज नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस पेंटिंग में इटालियन लैंग्वेज में भी कुछ लिखा हुआ है जिसका मतलब है द आंसर इज हेयर, लेकिन आज तक इस लाइन का अर्थ नहीं समझा जा सका है कि आखिरकार इसके जरिए विंची क्या कहना चाहते थे। दोस्तों इस पेंटिंग को शुरू से ही अलग अलग जगहों पर रखा गया है, लेकिन 1757 के बाद फ्रांस के लोअर म्यूजियम में इस पेंटिंग को रखा गया है। हालांकि ये पेंटिंग 21 अगस्त 1911 को म्यूजियम से चोरी हो गई, और जिसने इसे चुराया था उसे 2 साल के बाद तब पकड़ लिया गया जब उसने इसे बेचने की कोशिश की, और एक बार फिर मिल जाने के बाद इसे फिर से म्यूजियम में ही रख दिया गया। लेकिन 1956 में किसी आदमी ने इस पर तेजाब फेंक कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद से ही इस पेंटिंग की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया गया। और दोस्तों 2014 में लोअर म्यूजियम को कुल 9.3 मिलियन लोग विजिट किए थे। इसमें से 80% लोग सिर्फ मोनालिसा की पेंटिंग ही देखने आए थे। और दोस्तों मोनालिसा पेंटिंग की कई सारी डुप्लीकेट कॉपी भी हैं, जो कि दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में रखी हुई है। उम्मीद करते हैं कि आपको दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग मोनालिसा की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। भविष्य में भी ऐसी रोचक और मजेदार वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों प्राचीन काल में जब आईने का आविष्कार नहीं हुआ था तो मनुष्य अपनी तस्वीर कैसे देखता था, तो चलिए जानते हैं आईने का इतिहास और उससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। आईने के आविष्कार से पहले लोग अपनी तस्वीर देखने के लिए ठहरे हुए पानी का इस्तेमाल करते थे। उस समय लोग तालाब या किसी गड्ढे में ठहरे हुए पानी में अपना प्रतिबिंब देखा करते थे। इसके अलावा उनके पास उस समय कोई और जरिया नहीं था जिससे वह अपनी तस्वीर देख सके। बाद में जब आईने का आविष्कार हुआ उसके बाद इंसान को अपनी तस्वीर देखने में आसानी हुई, लेकिन आईने का यह सफ़र इतना आसान नहीं था। आज के समय में हम अपने घरों में जो आईना इस्तेमाल करते हैं प्राचीन काल में वह ऐसा नहीं था। इसके स्थान पर पहले और भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ करता था जिससे कि इंसान अपनी तस्वीर देख सकता था, लेकिन उन चीज़ों में इंसान अपनी तस्वीर सही से नहीं देख पाता था। इसलिए बाद में उन चीज़ों में सुधार करते करते आज के शीशे का आविष्कार हुआ। जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले लोग अपने खुद की तस्वीर देखने के लिए सिर्फ ठहरे हुए पानी के पास खड़े हो जाते थे और अपनी तस्वीर देखते थे, लेकिन उसके बाद आज से 8000 साल पहले ऑब्सीडियन नाम के एक पत्थर के ऊपर पॉलिश करके अपनी तस्वीर देखने के लिए एक शीशा बनाया गया था। दरअसल यह पत्थर एक ज्वालामुखीय पदार्थ था जो एक कांच की तरह होता था, जो उस समय के लोगों को प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाता था। उस पत्थर को लगभग 6000 ईसा पूर्व के आसपास एनाटोनिया में लोग इस्तेमाल करते थे, जिसे आज के समय में तुर्की के नाम से जाना जाता है। वहीं 4000 साल पहले मेसोपोटामिया में पॉलिश किए हुए कॉपर का इस्तेमाल आईने के तौर पर किया जाता था, और लगभग 3000 ईसा पूर्व में प्राचीन मिस्र वासियों ने भी
पॉलिश किए हुए तांबे के आईने विकसित कर लिए थे। लगभग 2000 ईसा पूर्व में चीन और भारत में कापर, काश्य और मिश्रित धातुओं के द्वारा शीशे का उत्पादन किया गया। धातु या किसी कीमती धातु के शीशे का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं था। यह बहुत ही ज़्यादा महंगे होते थे और उन शीशों को ज़्यादा बड़े आकार का भी नहीं बनाया जा सकता था। पत्थर और धातु को पॉलिश करके शीशा बनाना बहुत ही मुश्किल होता था, इसीलिए गिलास से शीशे बनाने की शुरुआत हुई। रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर के विश्वकोश प्राकृतिक इतिहास के मुताबिक पहली शताब्दी में धातु शीशों का बनाना सिदोन में शुरू किया गया था। ग्रीको रोमन पुरातन काल में और यूरोपीय मध्य युग में दर्पण धातु, काश्य, टीन या चांदी के बस थोड़े से उत्तल डिश यानी कि कन्वेक्स मिरर थे, जो उनकी अत्यधिक पॉलिश सतहों से प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती थी। 500 ईस्वी में चीन के लोगों ने चांदी और पारे को मिलाकर धातु के आवरण पर कोटिंग करके दर्पण बनाना शुरू किया। चीनी लोग इस प्रक्रिया में पारे और चांदी को गर्म करते थे, जिसमें से पारा उबलकर उड़ जाता था और पीछे सिर्फ चांदी को छोड़ जाता था। इस लेप के द्वारा ही धातु के ऊपर कोटिंग की जाती थी, जिससे वह धातु रिफ्लेक्ट करती थी। 16वीं सदी में वेनिस इस नई विधि का उपयोग करके शीशे उत्पादन करने का एक केंद्र बन गया था। अन्य महत्वपूर्ण शीशे बनाने वालों में फ्रांस में शाही पहल द्वारा स्थापित सेंट गोबिन कारखाना था। दोस्तों, दुनिया के पहले आधुनिक शीशे का आविष्कार का श्रेय जर्मन केमिस्ट जस्टस वॉन लेबिक को दिया जाता है। 1835 में जर्मन केमिस्ट जस्टस वॉन लेबिक को चांदी और गिलास से निर्मित दर्पण का आविष्कारक माना जाता है। उनकी प्रक्रिया में सिल्वर नाइट्रेट की रासायनिक कमी के माध्यम से कांच पर चांदी की एक पतली परत चढ़ाई जाती थी। शीशे बनाने की प्रक्रिया में चांदी का इस्तेमाल इसलिए भी किया गया ताकि इसका उत्पादन एक बहुत बड़े पैमाने पर किया जा सके और यह आधुनिक दर्पण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि दर्पण उस समय एक लग्जरी आइटम हुआ करता था जो केवल अमीर लोग ही खरीद पाते थे और चांदी की काफ़ी सस्ती होने के कारण इसे अब हर कोई खरीद सकता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। भविष्य में भी ऐसी रोचक और मजेदार वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कागज का इस्तेमाल तो आज पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन क्या आपको कागज के इतिहास के बारे में पता है कि इसका आविष्कार किसने, कब और कैसे किया? भारत में कागज का आविष्कार कब से शुरू हुआ? आज हम आपको कागज के इतिहास की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जिनसे आप आज तक अनजान होंगे। आज कागज के बिना हमारे सभी काम अधूरे हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो या बैंक, व्यवहार, ऑफिस आदि का काम हो, कागज की आवश्यकता हमें हर जगह पड़ती है। कागज को बनाने में घास फूस, लकड़ी, कच्चे माल और सेलुलोज आधारित उत्पाद का इस्तेमाल होता है। कागज का आविष्कार चीन को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले कागज का इस्तेमाल चीन में ही किया गया था। कागज का आविष्कार करने वाले शख्स का नाम है काई लून, जो चीन के रहने वाले थे। इन्होंने 202 ईसा पूर्व में हन साम्राज्य के समय में कागज का आविष्कार किया था। काइलून के द्वारा किए गए कागज के आविष्कार से पहले लेखन के लिए आमतौर पर हड्डी, लकड़ी, बांस और कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था। इससे भी पहले 3500 ईसा पूर्व में मिस्र में पेपर बनाने के लिए पेपुरस नाम के पौधे का इस्तेमाल किया गया था, जो नील नदी के पास उगाया जाता था। पेपुरस नाम के इस पौधे से ही पेपर नाम रखा गया था। प्रारंभ में लेखन के लिए आमतौर पर बांस या रेशम के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन परेशानी की बात यह थी कि रेशम काफ़ी महंगा था और बांस काफ़ी भारी होता था। इसके बाद काइलून ने एक ऐसा कागज बनाने की सोची जो सस्ता होने के साथ साथ हल्का भी हो और जिस पर लिखने में कोई परेशानी ना हो। उस समय काइलून ने भांग, शहतूत, पेड़ की छाल तथा अन्य तरह के रेशों से कागज का निर्माण किया था। यह कागज चमकीला, मुलायम, लचीला और चिकना होता था। इसके बाद कागज का इस्तेमाल धीरे धीरे पूरी दुनिया में होने लगा। इस उपयोगी आविष्कार के कारण ही
कायलून को कागज का संत भी बोला जाता है। शुरुआत में कागज बनाने के लिए पौधों का इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल पौधों को पानी के साथ मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता था और इसके अंदर एक छन्नी डुबोई जाती थी जिसे धूप में सुखा दिया जाता था। उसके बाद अलग अलग पौधों को लेकर अलग अलग तरह से पेपर बनाए जाने लगे और जैसे जैसे पेपर बनाने वाले सांचे में बदलाव होता गया वैसे वैसे ही पेपर और भी बेहतर होता गया और पेपर बनाने में और भी ज़्यादा आसानी होने लगी। पेपर का आविष्कार तो हो गया था लेकिन चीन इसे बनाने के तरीके को दुनिया में किसी को भी बताना नहीं चाहता था और इसी कारण पेपर कई सालों तक चीन तक ही सीमित रहा। भारत में कागज की शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई। उस समय पेपर भारत में व्यापक रूप से नहीं फैल पाया था। इसको पूरे भारत में फैलने के लिए 12वीं शताब्दी तक का समय लगा। बाद में इसका इस्तेमाल पूरे भारत में होने लगा। भारत की सबसे पहली पेपर मिल 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इसकी शुरुआत सेरमपुर पश्चिम बंगाल में 1812 में की गई थी पर उस समय पेपर की कम खपत की वजह से इसे सफलता नहीं मिली। लगभग 1100 ईस्वी में कागज उत्तरी अफ्रीका में पहुंचा और 1150 ईस्वी तक यह एक धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप स्पेन पहुंच गया। यूरोप में पहला पेपर उद्योग स्थापित हुआ। 1453 ईस्वी में जोहान्स गोटनबर्ग ने छपाई प्रेस का आविष्कार किया। वहीं उत्तरी अमेरिका का पहला पेपर उद्योग फिलाडेल्फिया में 1690 में स्थापित किया गया। 1830 और 1840 के दशक में फ्रेडरिक गोटलोब केलर और चार्ल्स फेनर्टी ने लकड़ी के द्वारा कागज बनाने की शुरुआत की। इन्होंने कागज बनाने के लिए एक नई तकनीकी का इस्तेमाल किया था जिसमें लुगदी के टुकड़ों के बजाय उन्होंने लकड़ी का पुष्पण करने के बारे में सोचा। उन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया जिसमें लकड़ी से तंतुओं को निकाला गया था। चार्ल्स फेनर्टी ने कागज बनाने के लिए प्रयोग होने वाली लुगदी को ब्लीच कर दिया था ताकि कागज सफ़ेद हो सके। उनके इस सफलतापूर्वक प्रयोग से पेपर इंडस्ट्री में एक क्रांति ला दी थी। बाद में 19वीं शताब्दी के अंत तक पश्चिमी दुनिया के लगभग सभी प्रिंटर कागज बनाने के लिए कपड़ों के टुकड़ों की जगह लकड़ी का इस्तेमाल करने लगे। आधुनिक समय में पेपर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई है और ये पहले के मुकाबले काफ़ी सस्ता भी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। भविष्य में भी ऐसी रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।